अल्लाह रहमान रहीम। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.8 को सॉल्व करेंगे, और जिसके लिए स्टूडेंट ने अफ्रीका से रिक्वेस्ट की है। तो ये क्वेश्चन है और ये इसके डिस्क्रिप्शन है जिसको हम अभी पढ़ेंगे, और इसमें ये तीन पैरामीटर्स हमने पता करना है। क्वेश्चन में कह रहा है, अस्यूम टू बैलेंस लोड्स इन फिगर 12.22। तो ये दो बैलेंस लोड शो किए हैं फिगर में, लेकिन ये बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन समझने से पहले एक और फिगर मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो इसको अगर आप ध्यान में रखें, तो अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा सोर्स है। वो कह रहा है कि जो सोर्स हैज 840 वोल्ट आरएमएस लाइन, लाइन का मतलब लाइन टू लाइन वोल्टेज जो है वो 840 वोल्ट है। लोड वन इज़ वाई कनेक्टेड लोड, तो ये वाई कनेक्टेड लोड हो गया, और 30+j40 पर फेज, तो ये इसका इम्पीडेंस हो गया 30+j40। लोड टू है, एक मोटर है, थ्री फेज मोटर ड्रॉइंग 48 किलो वाट एट ए पावर फैक्टर ऑफ 0.8। तो ये 48 किलो वाट पावर फैक्टर 0.8। और अब इसमें ये तीन पैरामीटर्स मालूम करने हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला पैरामीटर वो कह रहा है, द कॉम्प्लेक्स पावर एब्जॉर्ब बाई द कम्बाइंड लोड। तो टोटल कॉम्प्लेक्स पावर एब्जॉर्ब बाई लोड वन प्लस लोड टू। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, द टोटल कॉम्प्लेक्स पावर एब्जॉर्ब बाई लोड कैपिटल एस इज कैपिटल एस प्लस वन प्लस एस प्लस टू। तो पावर एब्जॉर्ब बाई लोड वन एस वन, और ये एक्चुअली पावर एब्जॉर्ब 3 टाइम्स पावर एब्जॉर्ब बाई ईच फेज। तो पावर एब्जॉर्ब बाई दिस 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 तरह से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पावर एब्जॉर्ब बाई ईच फेज के लिए ये फॉर्मूला गिवन है बुक में, फेज पावर और करंट, फेज करंट, और ये निशान आपको पता ही कॉन्जुगेट के लिए होता है। तो आइए सबसे पहले हम फेज वोल्टेज निकाल लें। फेज वोल्टेज ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक फेज वोल्टेज है, और ये लाइन वोल्टेज को अंडर रूट 3 से डिवाइड करके ये हम निकाल सकते हैं। तो ये आ गया हमारा फेज वोल्टेज। अब लाइन वोल्टेज और सॉरी लाइन करंट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, वी ओवर जेड पी, और ये आप अपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मोड में होना ज़रूरी है, इसको क्लियर कर दिया हमने। 484 पॉइंट, और इसको हम इस फॉर्म में ले आए, डिवीजन के फॉर्म में। अब ऊपर लिखते हैं 484.97, और नीचे आ जाते हैं 30+j40। तो 30+40 जे की जगह पर हम आई लिखते हैं, आगे चलते हैं तो इक्वल साइन। अब ये आंसर आ गया हमारा। अब ये आंसर रेक्टेंगुलर में है, जबकि यहाँ पोलर में दिया हुआ है, तो हम इसको पोलर में जाने के लिए शिफ्ट कॉम्प्लेक्स प्रेस कर देंगे, आर थीटा फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे यानी 3 प्रेस करेंगे। तो आंसर आ गया 9.699 या 9.7, और एंगल हो गया -53.1। तो ये हमारा आई ए आ गया। अब हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं पावर वी पी आई पी। ये हमारा वी पी आ गया, ये आई पी। सिर्फ हमने जो चेंजेस करने हैं वो कॉन्जुगेट की वजह से इस आई करंट के साइन चेंज कर देंगे। यहाँ माइनस है तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे, और ये इसको मल्टीप्लाई करके ये हमारा आ गया सिंगल फेज पावर फॉर लोड वन। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉम्प्लेक्स पावर फॉर लोड टू आ गया। और अब आ जाते हैं हम, हमें दूसरा एस टू निकालना है। एस टू के लिए थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये पैरामीटर्स गिवन है। तो कॉम्प्लेक्स पावर के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे ये पी प्लस जे क्यू, और पी यहाँ पे गिवन है 48 किलो वाट। ये कैसे पता चला कि ये पी है, रियल पावर है? क्योंकि आप ये पावर ट्रायंगल में देखें तो जो रियल पावर की यूनिट है वो किलो वाट में होता है, जो इमेजिनरी पावर है उसकी यूनिट है केवीआर, और इन दोनों को कंबाइन करके जो अपेरेंट पावर आता है या कॉम्प्लेक्स पावर, उसके यूनिट है केवीए। तो अब ये किलो वाट में, तो ये फॉर श्योर ये रियल पावर हो गया। तो ये तो हमें पता चल गया। अब क्यू निकालना है। क्यू
निकालने के लिए हमें ये टेक्निक, ओके यहाँ पे पावर फैक्टर से हम इसका एंगल भी निकाल लेते हैं। पावर फैक्टर 0.8 गिवन है, थीटा इज कॉस इनवर्स 0.8, तो 36.87, यानी ये एंगल जो है ये 36.87 है। अब हमने क्यू निकालना है। टू कैलकुलेट एस टू वी नीड टू फाइंड क्यू, और क्यू का फॉर्मूला ये है कि एस टू साइन थीटा जो है साइन थीटा ऑफ द हाइपोटेनस। अब ये एस टू क्या है, ये अपेरेंट पावर है। इसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि अपेरेंट पावर इज द रियल पावर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा या पावर फैक्टर। तो ये आ गया हमारा 60 किलो वोल्ट एम्पेयर अपेरेंट पावर। अब इसको यहाँ पुट करके हम रिएक्टिव पावर मालूम कर लेंगे। ये हमारा रिएक्टिव पावर है। अब इन दोनों को कंबाइन करके हमें कॉम्प्लेक्स पावर एस टू आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स पावर एस टू इज पी प्लस जे क्यू, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स पावर है। सो टोटल पावर क्या हुआ जी, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। एस वन पहले हमने कैलकुलेट किया था, एस टू हमने अभी ये है, और अगेन इसको आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ये देखते हैं, कॉम्प्लेक्स मोड क्लियर किया 14.112, एंगल 53 शिफ्ट, ये एंगल साइन है 53.13, ये पहला हिस्सा आ गया, प्लस ये जो ये 48 प्लस जे 36 जो यहाँ पे लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। चले हम उसको ब्रैकेट डाल के ऐड कर लेते हैं, 48 प्लस 36 I ब्रैकेट क्लोज इक्वल साइन। तो अब ये आ गया 46.467 या 46.47, और दूसरा टर्म जो है वो 47.28 या 289, तो जे 47.29। अब यहीं से हम इसको पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। शिफ्ट कॉम्प्लेक्स 3 और आर थीटा इक्वल साइन 73.65 और एंगल 39.97 बुक में है, तो इसीलिए मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। ओके, तो अब ये हमारा आ गया टोटल कॉम्प्लेक्स पावर, और यही पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ पे आप चाहें तो जो न्यू कॉम्प्लेक्स पावर है इसका आप पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो कॉस ऑफ द एंगल, ये एंगल था तो 0.766 लैगिंग। अब आ जाते हैं हम दूसरे हिस्से में। द केवीआर रेटिंग ऑफ ईच ऑफ द थ्री कैपेसिटर्स डेल्टा कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड टू रेज द पावर फैक्टर टू यूनिटी। तो कैपेसिटर लगाया जाता है पावर फैक्टर रेज करने के लिए। आमतौर पर कभी भी आप पावर फैक्टर यूनिटी अचीव नहीं कर पाते। बहरहाल अगर यहाँ पे अचीव करना हो तो उसके लिए हमें कैपेसिटर की केवीआर रेटिंग क्या है वो चाहिए। तो ये एक फार्मूला है हमारा, हमें जो किसी भी कैपेसिटर की रेटिंग के लिए हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। वी कैन फाइंड द रिएक्टिव पावर नीडेड टू ब्रिंग द पावर फैक्टर टू 1 यूजिंग दिस इक्वेशन। अब हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है, पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो पावर फैक्टर जब आप 1 करना चाहेंगे तो थीटा न्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 जो कि 0 के बराबर है। तो ये थीटा न्यू आ गया हमारा 0, और जो हमारा इन्फॉर्मेशन पहले हमने कैलकुलेट किया था वहाँ से ये थीटा ओल्ड आ जाएगा, और ये है हमारा पी प्लस जे क्यू, तो ये पी आ जाएगा। ये अब इनको पुट करके तो ये हमारा के वी आर आ गया। अब ये टोटल के वी आर है फॉर 3 कैपेसिटर, हमने 1 के लिए मालूम करना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये के वी आर आ गया फॉर 1 कैपेसिटर। अब थर्ड पार्ट, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एट यूनिटी पावर फैक्टर कंडीशन। तो करंट मालूम करना है, लोड करंट या लाइन करंट। तो द अपरेंट पावर, ये फार्मूला हमें पता है कि टोटल अपरेंट पावर के लिए अंडर रूट 3 VLIL लिखते हैं, जहाँ से IL हो जाएगा अपरेंट पावर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 VL। अब अपरेंट पावर हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। यहाँ से यहाँ पे अगर इस डायग्राम को देखें
यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब हमारा एंगल जीरो, इसका मतलब है ये एंगल जीरो, इसका मतलब है ये जो अपरेंट पावर वाली लाइन है ये पी के ऊपर आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि एस बराबर है पी के, जो कि पी है 56.47 किलोवाट। अब यहाँ पे आ जाएगा 56.47 केवीए, क्योंकि हम एस के बराबर लिख रहे हैं, तो ऐसा आ गया। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे एस के वैल्यू, हमने यहाँ पे पुट कर दिया और इसको सॉल्व करके, तो लाइन करंट या लोड करंट आप कह लें वो 38.81 आ गया यहाँ पे, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। शुक्रिया।